Today we are going to meditate on righteous talk. आज हम धन या अच्छी बातों पर मनन करने जा रहे हैं। Righteous talk, बोली धर्म की बातें, अच्छी बातें। नीति वचन 16 अध्याय 13 पद में ऐसा लिखा है, द बुक ऑफ प्रूवर्ब्स चैप्टर 16 एंड वर्स 13, धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है और जो सीधी बातें बोलता है उससे वह प्रेम रखता है। आप परमेश्वर से बातें नहीं कर सकते, न परमेश्वर आपसे बातें कर सकता है अगर आपकी जबान राइचस ना हो, आपकी जबान में के शब्द धर्मी ना हो, आपकी जबान में के शब्द पवित्र ना हो, यदि वो भलाई से परिपूर्ण नहीं है, आप परमेश्वर से बातें नहीं कर सकते, परमेश्वर आपसे बातें नहीं कर सकते। देर इज लाइफ इन योर टंग्स, आई मीन देर इज ब्लेसिंग्स, डिलीवरेंस, जॉय एंड पीस एंड सो ऑन, दीज आर ब्लेसिंग्स इज इन योर माउथ। ये सारी आशीषें आपकी जबान में है, आशीष, छुटकारा, आनंद, शांति और बहुत सी ऐसी आशीष की बातें, ये सब आपकी जबान में है। एंड गॉड लव्स दिस, परमेश्वर इसको पसंद करता है। Righteous talk, परमेश्वर धर्म की बातें पसंद करता है, पवित्र बातें पसंद करता है। धर्म की बात बोलने वाले, अच्छी बात बोलने वाले, पवित्र बातें बोलने वाले परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। They can please God through their righteous talk, righteous word। और जिस प्रकार से सीधी बातों को बोलते हैं और सीधी बातों के ना सिर्फ बोलने वाले मगर उसके अनुसार कर्म भी सीधा रखते हैं, बाइबल सेज परमेश्वर उनसे प्यार करता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम मुझे हासिल हो, परमेश्वर का संपर्क मुझे हासिल हो? डू यू वॉन्ट दिस? परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी जबान से धर्म की बातें बोले। यू मस्ट हैव अ होली वर्ड्स इन योर माउथ बिकॉज देयर इज लाइफ इन योर टंग, आपकी जबान में जीवन है। जिस परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया वो अपने में जीवन रखता है। जैसे बाइबल कहती है, इन हिम देर वॉज लाइफ, यीशु मसीह में जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। देर इज लाइफ इन योर टंग माई ब्रदर माई सिस्टर, अपनी जबान में के शब्दों को बहुमूल्य जानिए, परमेश्वर उस पर ध्यान देता है। आज अनेक लोग जो अपनी जबान का सही इस्तेमाल नहीं करते बहुत ज्यादा दुख उठाते हैं और अपने जीवन में असफलताओं को देखते हैं। आपकी जबान में जीवन है, आपकी जबान में का शब्द धर्म से परिपूर्ण हो, आपकी जबान में का शब्द अच्छा हो। संसार की शुरुआत करने से पहले परमेश्वर ने अपनी जबान का इस्तेमाल किया। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 बाइबल ऐसा कहती है, गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वॉज लाइट। परमेश्वर की जबान न सिर्फ जीवन रखती है मगर प्रकाश को रखती है। बाइबल कहती है संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर एक घोर अंधकार छाया हुआ था, एंड गॉड सेड, परमेश्वर बोला प्रकाश हो, और वहां प्रकाश आ गया। इसी परमेश्वर के स्वरूप और समानता में मैं और आप बने हुए हैं, और परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी जबान में जीवन को रखें, आप अपने जीवन में प्रकाश को रखें, ताकि जब कभी भी आप बोले, जब कभी भी आप अपनी जबान खोलें, अपने परिवार में, अपने पड़ोसी में, अपने रिश्तेदारों में, कहीं पर भी जब आप अपनी जबान को खोलें परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए।
परमेश्वर खुश होना चाहिए। जो धर्म की बातें बोलता है, सीधी बातें बोलता है, परमेश्वर सिर्फ उसी से प्रेम करता है। यीशु मसीह ने जबान के शब्दों को कुछ रीति से दर्शाया है। जॉन चैप्टर 6:63, यूहन्ना 6:68, आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, वे आत्मा है और जीवन भी है। यीशु मसीह की जबान में का हर एक शब्द जीवन से परिपूर्ण था और आत्मा से परिपूर्ण था। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर अपनी सभी संतानों को अपनी आत्मा का सामर्थ्य देना चाहता है, अपनी आत्मा से भरना चाहता है। मगर हमें परमेश्वर के आत्मा से जुड़ने के लिए, परमेश्वर की नजदीकी में आने के लिए अपने जीवन को जांचना होगा। प्रभु यीशु ने कहा, जो मन में भरा है वही जबान पर आता है। किस प्रकार का हृदय आपके अंदर है, किस प्रकार का मन आपके अंदर है, और आपके मन हृदय किस प्रकार के विचारों से, किस प्रकार की बातों से भरे हुए हैं। चेक योर हार्ट। आप दिन भर में अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, मां बाप, अपने आसपास के पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, जिनके साथ आप काम करते हैं, पब्लिक प्लेस में आप कैसे बात करते हैं, आप किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं। जिन शब्दों का उपयोग आप करते हैं अपने घर में या बाहर में, इससे यह पता लगेगा कि आपके शब्दों में जीवन है या मौत। जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा है और जीवन भी, और इसी प्रभु के स्वरूप और समानता में मैं और आप बनाए गए। यदि हमारा आत्मा परमेश्वर में समर्पित है, हमारी जबान में के शब्द राइचस होंगे, आत्मा से परिपूर्ण होंगे, और वो ना सिर्फ हमें जीवन देंगे पर हमारी जबान से निकलने वाले हर एक व्यक्ति को जीवन देंगे और आशीष देंगे। देयर इज लाइफ इन योर टंग। आपकी जबान में ही जीवन है, आपके शब्दों में आपकी आशीष, आपका छुटकारा, आपकी बढ़ोतरी है। आपके शब्द आत्मा से परिपूर्ण होने चाहिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने चाहिए, ताकि जब आप उसे अपने लिए, अपने लोगों के लिए निकालें, आप वहां पर आशीष देख पाए। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए प्रकाश को लाना चाहा, एंड ही सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। आज भी परमेश्वर का यह वचन कार्य करता है। अगर आप अपने जीवन में अंधकार को महसूस करते हैं, अपने परिवार में अंधकार को महसूस करते हैं, बोलिए लेट देयर बी लाइट, प्रकाशमान हो, निश्चय वहां पे प्रकाश आएगा। मगर ये मात्र आपके कहने से नहीं हो जाता, क्योंकि जो मन में भरा है वो जबान पर आएगा। आपके दिल से ये शब्द शायद नहीं निकलेगा यदि आप समर्पित नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में जीवन था, और हमने बाइबल में से अनेक घटनाओं को देखा जहां पर उनके शब्दों से जीवन बहता हुआ दिखता है। एक सूबेदार जिसका सेवक बीमार था, उसने प्रभु यीशु मसीह से विनती की कि प्रभु यीशु मसीह उसके सेवक को चंगा करे। कैसे उसका सेवक चंगा हुआ? मत्ती 8:5-13 में लिखा है। Matthew 8:5-8 and verse 13, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा हुआ बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, लिसन टू दिस, सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो वह चंगा हो जाएगा। और 13 में लिखा, यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। देयर इज लाइफ इन अवर टंग्स। यीशु जो परमेश्वर का प्रतिबिंब और उसका स्वरूप था, ही वॉज कैरिंग लाइफ इन हिम।
And he was carrying life in his tongue too. जब उसने अपनी जबान से जीवन के शब्दों को निकाला, सूबेदार का वो सेवक जिसको लकवा था तुरंत चंगा हो गया। आप बाइबल में जब ऐसी घटनाएं पढ़ते हैं तो शायद आपको लगता होगा कि ये क्या आज पॉसिबल है? Yes, it is possible. But you have to connect it with God Almighty. आपको ईश्वर के साथ अपने आप को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ईश्वर वहां नहीं गए, छुआ नहीं, सिर्फ मुख से कहा तेरा सेवक चंगा हो जाएगा, और वो हो गया। यही आशीष प्रभु ने आपको और मुझे दी है। मार्क चैप्टर 11 वर्स 23, मरकुस 11 23 में लिखा है, यदि संदेह ना करे वरन विश्वास करे तो जो कुछ कहता है वो हो जाएगा। बट रिमेंबर, आप जो कुछ कह रहे हैं वो परमेश्वर के मन और इच्छा के मुताबिक हो। आपकी जबान में के शब्द ईश्वर को महिमा देने पाए, उसको ग्लोरीफाई करने पाए। यदि आपकी सेल्फ डिजायर को पूरा करने के लिए आप बोलते हैं तो यहां साफ साफ लिखा है परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। नीति वचन 18 अध्याय 20 और 21 पद में लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 20-21, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। पेट का मतलब है जीवन। एक मनुष्य अपने मुंह के शब्द के द्वारा अपना जीवन जीता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है, सेटिस्फाइड होता है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। एंड लिसन टू दिस, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हर कोई अपनी जबान में के शब्दों से अच्छे फलों को नहीं भोगता, अच्छी बातों से तृप्त नहीं होता, मगर जो बुद्धिमान है, जो उसको काम में लाना जानता है, जो उसको उपयोग करना जानता है, हाउ टू यूज माई टंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स वर्ड, दैट देयर विल बी लाइट। जो बुद्धिमान है, जो समझदार है, जो जानता है कि अपने मुंह के शब्द उसे किस प्रकार से इस्तेमाल करने हैं। ब्रदर सिस्टर, आपकी जबान में बहुत सामर्थ है। यदि आप बुद्धिमान नहीं हुए तो शैतान आपकी जबान में का शब्द इस्तेमाल कर लेगा और परमेश्वर की निंदा आपके मुंह से करा देगा। और यदि आप बुद्धिमान हुए तो आपके शब्द से परमेश्वर की महिमा होगी। लेकिन मनुष्य का जीवन उसके मुंह के शब्द से उसे मिलता है, या वो अपने मुंह के शब्दों से जीवन जीता है। आज आपकी परिस्थितियां, आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, यदि ये खराब है सो यू कैन चेंज दैट, और यदि अच्छे हैं ये और बेहतर किए जा सकते हैं। But you must have a righteous talk. बहुत से लोग अपनी जबान का गलत उपयोग करते हैं। झांसी में एक लेडी थी जो हर वक्त किसी भी बात में एक खास शब्द को बोला करती थी, मैं तो पागल हो जाऊंगी। जब अपने परिवार में होती, अरे मैं तो एक दिन पागल हो जाऊंगी। रिश्तेदारों के साथ होती, बातचीत के बीच में बोलती, मैं तो पागल हो जाऊंगी। वो किसी भी स्थान में होती, किसी के साथ भी होती, ये शब्द उसके लिए कॉमन था, मैं तो पागल हो जाऊंगी। अपनी जवानी को उसने इन शब्दों के साथ बोना शुरू किया, मैं तो पागल हो जाऊंगी, अरे मैं तो एक दिन पागल हो जाऊंगी। उस वक्त जब वो इन शब्दों को निकालती थी, बड़े आनंद के साथ कहती थी, बड़े खुशी के साथ बोलती थी, और भी लोग खुश होते थे, मैं तो पागल हो जाऊंगी। और एक दिन ऐसा हुआ, वो पागल हो गई। Check your heart, my brother, my sister. आप अपने शब्दों से अपने आप को और अपने परिवार को आशीर्वाद दे रहे हैं, या आप अपनी जबान से अपने आप को अपने परिवार को श्राप दे रहे हैं? जो कुछ हम बोते हैं जल्दी से उसका रिजल्ट नहीं आता। आप खेत से इसे समझ सकते हैं। जब कोई किसान बीज बोता है तो तुरंत ही फसल नहीं आ जाती, इट विल टेक टाइम। वो एक अच्छे सीजन से होके जाता है, उसमें दवाइयां कीटनाशक चीजें इसमें डाली जाती हैं, समय पर पानी दिया जाता है, उसकी देखरेख की जाती है,
अच्छी खाद पानी दिया जाता है, इट विल टेक टाइम। एक समय के बाद एक पौधा दिखता है, और एक समय के बाद वो पौधा बड़ा होता हुआ दिखता है, और एक समय के बाद वो बड़ी फसल में पैदा तैयार होता है, एक लंबे समय के बाद वो तैयार होता है कि जो लोगों के लिए उपयोग हो जाता है। शायद आपको नजर नहीं आता आज आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो आपने बोला उसको तुरंत आपने नहीं काटा, इट विल टेक टाइम, समय लेगा वो। पर जो कुछ आपने बोया है, गैलेशियन चैप्टर 6 सेज, मनुष्य जो कुछ बोता है उसे काटेगा। थिंक अबाउट दिस, आप अपने आप पर किन किन शब्दों को उतारते हैं, कौन से शब्द को आप डिक्लेयर करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। आज अनेक लोग अपनी जबान में के शब्दों से अपने जीवन में कलेशों को देख रहे हैं। ओ मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, ओ मेरा कभी कुछ नहीं हो पाएगा, मैं यहां पर बर्बादी हो जाऊंगा, ओ मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसे शब्दों से लोग अपने आप को श्राप के अधीन कर देते हैं, इसलिए उनका कुछ नहीं हो पाता। बी पॉजिटिव, अवर गॉड इज पॉजिटिव गॉड, थिंक पॉजिटिव। जबान से हमेशा सकारात्मक बने रहो। Righteous talk will help you to receive so much blessings from God. But unrighteous talk will help you to receive curses. Wrong शब्द, गलत शब्दों का उच्चारण आपके जीवन में श्राप लेके आ सकता है। Now remember, आपने कितनी बार अपने जीवन में किन शब्दों से आप बातें करते हैं। जिनके पास पैसों की घटी होती है वो हमेशा ये कहते हैं, इतने से पैसों में क्या होगा, इस बार सैलरी नहीं मिली तो कैसे होगा, हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, बच्चों की फीस कैसे जाएगी, परिवार को कैसे पालूंगा, माँ बाप को कैसे देखूंगा, और इसके बीच में अगर बीमारी आ गई कैसे सर्वाइव करूंगा। रिमेंबर बाइबल क्या कहती है, ये बाइबल में लिखा है, किसी का जीवन उसकी धन संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता, हर एक मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह से जीता है। ब्रदर सिस्टर, यूज योर टंग विद फिल विद लाइफ। आपके पास कुछ हो या ना हो, बट यू मस्ट हैव अ राइटियस टंग, राइटियस टॉक। अगर आप अपनी जबान को सही से इस्तेमाल करें, कुछ नहीं होकर भी बहुत कुछ हो जाएगा। मेरी सेवकाई की शुरुआत में हम बहुत थोड़ा रेंट पर रहा करते थे, बहुत कम रेंट था, पर वो भी हम देने के योग्य नहीं थे। मैं, मेरी पत्नी हमेशा इस बात की घोषणा करते थे, गॉड नोज व्हाट इज अवर नीड एंड डिजायर, ही विल प्रोवाइड अस, वो हमें देगा, वो हमारी सहायता करेगा, वो अपने स्वर के भंडार को खोलेगा, हमें हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, हमें चिंता करनी नहीं पड़ेगी, वो हमें देगा, वो हमें दे के रहेगा। और परमेश्वर 19 साल से इस बात का गवाह है, वो ऐसे ही देता जा रहा है। हालेलुया। पॉजिटिव वर्ड्स विल ब्रिंग यू लाइफ। मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं पागल हो जाऊंगा। अपने बच्चों को गलत गलत शब्दों से लोग बातें करते हैं, हे पागल, बेवकूफ, तू गधा है, तू ऐसा है। आप जो कह रहे हैं आगे चलकर वो कैरेक्टर उसमें डेवलप होके रहेगा। परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए चुना है। हम जिस संसार में रहते हैं उस संसार में हम इस प्रकार से घुल मिल गए हैं कि हमें बुरी और अपशब्द बातें भी इज्जत के साथ लगती हैं। किसी को पागल कहना, किसी को अंधा कहना, किसी को बेवकूफ कहना, हमें लगता है ये आम बात है। बाइबल में क्या लिखा है, जानवरों का नेचर दर्शाया गया है। वो व्यक्ति जो परमेश्वर में विश्वास रख के पश्चाताप करके फिर से पाप करने चला जाता है, उस व्यक्ति को सुअर और कुत्ते की संज्ञा से जोड़ा गया है। जब आप अपने बच्चों को या अपने रिश्तेदारों को, अपने आप को किसी जानवर से तोलते हैं, आने वाले भविष्य में आपका स्वभाव उस जानवर से मेल खाएगा। बी केयरफुल आप क्या बोल रहे हैं। मैं परिवार से मिला जो अपनी जवानी के दिनों में, उसके ग्रुप में एक लड़का था जिसकी टांग टेढ़ी थी, उसका जो पांव का पंजा था टेढ़ा था, और वो हमेशा उसे लंगड़ा कहकर और गलत गलत नामों को लेकर से पुकारते थे। मैंने कहा ये कैसे हुआ,
सर ये मेरे पाप हैं, ये मेरे अपराध हैं। मेरी जवानी में मेरा एक लड़कों का ग्रुप हुआ करता था, उसमें एक लड़का था जिसकी टांग खराब थी, वो लंगड़ा था। हम उसे लंगड़ा कहा करते थे, हम उसे और बुरे शब्दों से बोला करते थे, और मुझे कभी इस बात का ध्यान नहीं आया कि ये गलत होता है। मेरा घर का ये पहला बेटा है, एक लौता बेटा है, और ये लंगड़ा जन्मा है। मैंने एक दिन अपने आप से पूछा सर क्यों हुआ, तो मुझे याद आया तुमने अपनी जबान से बोया था तुम अब उसे काटोगे, तुमने वर्षों से इसे बोया है, अब तुम इसे भविष्य में काट रहे हो। ब्रदर सिस्टर चेक योर हार्ट, कहीं आपने ऐसे शब्दों से तो अपने आप को नहीं बो रखा है। यदि आप पश्चाताप न करें समय रहते हुए, आपका वक्त आ रहा है, जो बोया आप काटोगे जरूर। इसलिए बाइबल कहती है मनुष्य का जीवन मुंह की बातों के फल से भरता है, बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता है। जीभ के वश में मौत और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। आप किस प्रकार से अपनी जबान का इस्तेमाल करते हैं, मैं यहां पर भी बात करना चाहूंगा, जो मन में भरा है वो मुंह पर आता है। यदि मन में संसार भरा है, संसार की संगति भरी है, लाख कोशिश करो आपकी जबान में पवित्रता नहीं आ सकती, धार्मिकता नहीं आ सकती, आप केवल नेगेटिविटी से भरे हुए होंगे। आप हर वक्त नकारात्मक शब्दों से अपने आप को और अपने परिवार को बोलोगे। There will be no blessings at all, no protection at all, no joy at all. Remember, अच्छे शब्द, सीधे शब्द, धर्म के शब्द आपको परमेश्वर की मित्रता हासिल करने के लिए सहायता करते हैं। Your righteous talk, good talk will help you to receive God's friendship. Hallelujah. हमने पढ़ा नीति वचन 22:11, जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है। Proverbs chapter 22 verse 11, जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है, पहले मन की शुद्धता से प्रेम रखता है। My heart must be clean, my heart must be pure. जो मन की शुद्धता से पवित्रता से प्यार करता है, प्रीति रखता है, जिसके वचन मनोहर होते हैं, शब्द righteous talk होती है, सीधे शब्द होते हैं, उलटफेर की बातें नहीं होती, नेगेटिव शब्द नहीं होते, पर righteous talk होती है, राजा उसका मित्र हो जाता है। हालेलुया, गॉड विल बी योर फ्रेंड, जीसस आपका मित्र होगा। अब्राहम 100 साल तक उसके पास संतान नहीं थी, इतने लंबे समय के अंतराल में वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, बट ही बिलीव्ड कि जो परमेश्वर ने कहा है, मुंह से कहा है, वो पूरा होगा, और वो परमेश्वर के शब्दों पर विश्वास रखता था और उन शब्दों से अपने आप को तसल्ली देता था, मैं फलवंत होऊंगा, मेरा वंश आकाश के तारों के समान होगा, मेरा वंश जगत की धूली के समान होगा। 100 साल तक ऐसे शब्दों से उसने अपने आप को आशीषित किया, अपनी पत्नी को तसल्ली दिया। Then what happened? What happened? संपूर्ण संसार के विश्वासियों का कुल पिता हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ उसकी जबान से अपने आप को आशीषित करने से 100 years, जब आशा नहीं थी, घबराहट का माहौल भी था, बट ही बिलीव्ड कि जो परमेश्वर ने कहा है वो होके रहेगा। और सारा ने कई बार कोशिश की उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उसने भले अपनी पत्नी की बात मानी, पर उसने ये कभी नहीं कहा कि जो ईश्वर ने कहा वो कभी नहीं होगा। सारा, एक समय आ रहा है, गॉड विल ब्लेस अस। कब आएगा तुम्हारा परमेश्वर का समय? गॉड विल ब्लेस अस, उसने मुझसे कहा है। उसके मित्र भी क्या होते, तुम क्या कितना समय लगाओगे, अब तो तुम्हारी पत्नी भी बूढ़ी हो गई, अब्राहम तुम भी बूढ़े हो रहे हो, तुम देख नहीं रहे हो सबके बच्चे हो रहे हैं, तुम्हारे दास दासियों के बच्चे हो रहे हैं, हो सकता है तुम्हें गाया गया हो, शायद परमेश्वर ने तुमसे बातें ना की हो, सो मेनी रीजंस उसके जीवन में आए होंगे, पर उसके बाद भी नहीं, आई विल बी अ फ्रूटफुल, गॉड टोल्ड मी आई विल बी अ फ्रूटफुल, मैं आशीषित होऊंगा,
मैं फलवंत होऊंगा। सारा तू चिंता मत कर, यहां के लोगों की बात मत सुन, बिलीव जो ईश्वर ने कहा वो होके रहेगा। पर मैं तो बच्चा जन्म दे नहीं सकती, अब तो होके रहेगा। God said and I believe and God did it, hallelujah, praise the Lord। परमेश्वर ने उसे आइसक देकर आशीषित किया, आइसक से जेकब और जेकब से 12 गोत्र निकले, आज इज़राइल बसा हुआ है। और हम सब लोग जो विश्वास करते हैं सब अब्राहम की संतान है, वो हम सब का कुल पिता हुआ। उसने अपनी जबान से अपने आप को और अपनी पत्नी को आशीषित किया और वो फ्रूटफुल हुआ। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर अब्राहम का मित्र था, परमेश्वर अब्राहम का मित्र था। और ना सिर्फ मित्र था, पर बाइबल कहती है अब्राहम के वास स्थान पर जहां वो रहता था उसके घराने पर परमेश्वर की मित्रता वास करती थी, परमेश्वर की फ्रेंडशिप वहां वास करती थी। अब्राहम परमेश्वर से ऐसे बात करता था जैसे कोई मित्र एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्योंकि उसने परमेश्वर के शब्दों पर विश्वास किया था और उन्हीं शब्दों से वो खुद भी आशीषित होता था। एक दूसरे वक्त में देखते हैं कि उसी इकलौते पुत्र को परमेश्वर ने बलिदान के लिए मांग लिया था। जब बलिदान का मेमना उसके बेटे इसहाक को नजर नहीं आया, उसने पूछा अपने पापा से, पापा बलिदान का मेमना कहां है? अब्राहम ने तो भी अपनी जबान का सही उपयोग किया, परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर उपाय करेगा, झूठ नहीं बोला। वो जानता था जबान के शब्द को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। उसको बताया नहीं गया था कि तेरे बेटे के स्थान पर मैं एक मेमना दे दूंगा, पर उसे ये एक पता था आज बेटे का बलिदान करना है। बट व्हाट ही सेड, यस परमेश्वर उपाय करेगा, गॉड विल प्रोवाइड। और वहां पर उसे मेमना मिला, हालेलुया, और आनंद के साथ वो अपने बेटे को लौट के लिए लौटा के लिए आया। आपकी जबान के शब्द आपके वैवाहिक जीवन को बेहतर कर सकते हैं। ब्लेस योर वाइफ, ब्लेस योर हस्बैंड, इवन बाइबल कहती है परमेश्वर को भी आशीर्वाद देना। मैं कई बार कहता लॉर्ड आई ब्लेस यू, जीसस आई ब्लेस यू, आई ब्लेस योर किंगडम। बाइबल में लिखा है हम ईश्वर को आशीर्वाद दे सकते हैं। परमेश्वर भी हमारी जबान के शब्दों को मांग रहा है। आपकी जबान में सब कुछ है, आप अपना जबान कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप जहां पर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहां परेशानियां उठा रहे हैं, तकलीफें उठा रहे हैं, ब्लेस योर सेल्फ एंड ब्लेस योर जॉब, ये हालात खत्म हो जाएंगे, मेरी ये समस्या निपट जाएगी, परमेश्वर मुझे इसी जॉब में ब्लेस करेगा, परमेश्वर यही पर चमत्कार करेगा, परमेश्वर यही दरवाजे खोलेगा। अगर आप इस प्रकार के शब्द को आशा से विश्वास रखकर कहते हैं, यू विल सी मिरेकल, आप चमत्कारों को देखेंगे। जो सही शब्दों का उच्चारण करता है, जो राइटियस शब्द को निकालता है, परमेश्वर का मित्र हो जाता है।